सो अगर आप मुझे जानते हो तो आप लोगों को पता है कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा टैंड थी और उसको ठीक करने के लिए मैंने सब किया और होम रेमेडीज का बहुत बड़ा रोल है उसमें। और आज की वीडियो दैट इज टैन रिमूवल होम रेमेडीज, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि नेक की टैनिंग, हैंड्स की टैनिंग, फेस की टैनिंग को कैसे लाइट करें। सो इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेक श्योर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। तो इस वीडियो में मैं एक होम रेमेडी की पूरी प्रोसेस को शेयर करूंगा और जो बाकी होम रेमेडीज हैं वो मैं लिस्ट डाउन कर दूंगा। राइट, सो फर्स्टली इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए आपको, सबके घर में इजीली अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज बेसन, दैट इज ग्राम फ्लावर। सेकेंड इज टर्मरिक, दैट इज हल्दी। थर्ड इज रोज वाटर या फिर रॉ मिल्क, दैट इज कच्चा दूध, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। एंड फोर्थ इज लेमन, दैट इज नींबू। अब इन सबकी कोई एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं है, बस नींबू को आप बहुत कम डालना बिकॉज इट कैन बी अ लिटिल हार्श टू योर स्किन। सो आधे नींबू से भी आधा डालना। और एक बात याद रखना कि इस फेस पैक को लगाने के 8 से 10 घंटे तक आप सनलाइट में मत जाना। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, एक थिक पेस्ट बन जाएगा आपका, बहुत लाइट पेस्ट ना हो, थोड़ा सा थिकनेस हो उसमें। एंड जेंटली अप्लाइड ऑल ओवर योर फेस, नेक, हैंड्स एंड ईयर्स टू। ये सारी जो जगह है वो बहुत एक्सपोज रहती हैं, तो इन पे लगाना भी बहुत ज़रूरी है। हाथों को, नेक को और ईयर्स को मत भूलना। अब इसके बाद यू हैव टू वेट फॉर 20 to 30 minutes, फेस पैक को अपना काम करने दो और वो सूख जाएगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रिंस ऑफ विद वाटर। अब आप वॉश ऑफ करते टाइम हल्का सा, बहुत ज़्यादा जेंटली स्क्रब भी कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो तो। और इस फेस पैक को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, विच आई हेट डूइंग, बट what I love about this is the result। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और आपकी जो टैनिंग है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपने कभी नहीं अप्लाई किया इसको, then this will work like magic to your skin and you will feel so fresh after this। I'm telling you, आप एक बार ट्राई करना, come back and let me know। अब इससे पहले मैं आपको बाकी फेस पैक्स बताऊँ, कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज डू अ पैच टेस्ट बिफोर अप्लाइंग। सो कोई भी रेमेडी हो, कोई भी फेस पैक हो, आपको पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये आपकी स्किन को सूट करेगा या नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो फेस पैक है वो आपको थोड़ा सा लेना है आप हैंड्स पे और आप नेक एरिया पे, यहाँ पे आप थोड़ा सा लगाओ और उसको देखो कि वो कैसे रिएक्ट करता है आपकी स्किन पे। क्या आपकी स्किन पे कोई इरिटेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, कोई भी आपको लग रहा है साइड इफेक्ट है? अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन डोंट अप्लाई द होम रेमेडी। राइट, सेकेंड इज डोंट अप्लाई डेली। जो भी फेस पैक्स हैं वो आपको डेली नहीं अप्लाई करने होते, वो आपको वंस इन अ वाइल अप्लाई करने होते हैं। एज पर माई रिकमेंडेशन 7 to 10 days में एक बार, मतलब आप एक होल मंथ में एटलीस्ट 3 times ही अप्लाई करो, क्योंकि आप ज्यादा अप्लाई करोगे डेली बेसिस पे बहुत रेगुलरली तो आपकी जो स्किन है वो ओवर सेंसिटिव हो जाएगी, विच इज नॉट गुड फॉर योर स्किन। थर्ड थिंग इज डोंट जस्ट रिलाई ऑन दिस। मतलब बहुत लोग सिर्फ फेस पैक, होम रेमेडीज पे ही रिलाई कर रहे हैं, आपका एक स्किन केयर रूटीन होना बहुत जरूरी है। जो मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, मॉइस्चराइजर, क्लेंजर्स, सनस्क्रीन, ये ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, एक रूटीन डेवलप करना आपका बहुत ज़रूरी है अच्छी स्किन के लिए। ये होम रेमेडीज आप कभी कभी लगा सकते हो, बट सिर्फ इस पे ही रिलाय मत करो। राइट, और आपकी अगर बहुत ज़्यादा टाइम की टैनिंग है तो आप ये मत सोचो कि आप एक बार में इसको लगाओगे तो रिजल्ट मिलेगा। अगर बहुत एक्यूमुलेटेड है तो आपको 2 से 3 बार लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। फोर्थ थिंग इज अप्लाई अ सनस्क्रीन। आप जब भी बाहर जा रहे हो तो आप एक सनस्क्रीन प्रोटेक्शन जरूर लगाएं अपनी स्किन पे, क्योंकि अभी तो आपकी टैनिंग हो गई है और शायद इस होम रेमेडी से स्किन लाइट हो जाए, बट सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ टैनिंग नहीं होती, उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं आपकी स्किन को। सो अप्लाई अ सनस्क्रीन व्हेनेवर यू आर मूविंग आउट। राइट, और अगर आपको कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा सनस्क्रीन के बारे में, तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, विच इज़ अबाउट सनस्क्रीन, और उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर यहाँ आई बटन में मेंशन कर दूंगा। अब बात करते हैं डिफरेंट फेस पैक्स की। फर्स्ट वन इज मुल्तानी मिट्टी प्लस रोज वाटर। मुल्तानी मिट्टी इज अ ग्रेट टैन रिमूविंग एजेंट और रोज वाटर के साथ आप उसको मिक्स करके एक पेस्ट बना सकते हो एंड यू कैन अप्लाई इट वेरी इजिली ऑन योर स्किन। सेकेंड इज बेसन प्लस हनी प्लस हल्दी प्लस रोज वाटर। जो हमने फेस पैक डिस्कस किया उसके अलावा हनी है और लेमन नहीं है इसमें, दैट्स द ओनली डिफरेंस। थर्ड थिंग इज टोमेटोज एंड योगर्ट्स। आपको टोमेटोज को ब्लेंड करना है योगर्ट के साथ और एक पेस्ट बन जाएगा जो आप इजीली स्किन पे लगा सकते हो एंड इट इज आल्सो अ ग्रेट होम रेमेडी। तो अब आपके पास ऑप्शंस हो गए हैं, इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल है आपके घर में, सो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है और ट्राई करो इसको एंड लेट मी नो कि आपको रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता। और मैं ये होम रेमेडीज काफी सालों से अप्लाई कर रहा हूं और मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसका बेनिफिट ना हुआ हो।
ऑल्सो मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन लगाएं जब भी आप बाहर जाएं। मैं कितना भी स्ट्रेस कर लूं इस बात को, सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए और आप उसको हमेशा लगाएं। सो ये थी एक क्विक होम रेमेडी वीडियो, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी इस वीडियो के लिए। आई होप आपको पसंद आई हो। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है नेक्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग भी, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे। एंड मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।